हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सही बढ़िया होंगे। तो गाइस, आपका इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम की एक और न्यू मस्त गेम प्ले वीडियो में फिर से स्वागत है। आज की गेम प्ले वीडियो में हम कुछ न्यू उम्मीद को कंफर्म या बस्ट करने वाले हैं। तो आइए गेम प्ले को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास भी कोई मिथ है तो गाइस जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मिथ कमेंट कर दे। मैं नेक्स्ट गेम प्ले में उस मिथ को जरूर ट्राई करूंगा। तो गाइस जल्दी से जाओ और जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो। तो गाइस सबसे पहला मिथ है, जल्दी से इस रोलर के ऊपर जाओ और डायनासोर को मंगाओ और गाइस फिर रोल को ऑन करो और डायनासोर में एक साथ बैठो। तो गाइस यार जल्दी से चलते हैं इस रोल के ऊपर और इस मिथ को ट्राई करते हैं। अगर आपके पास भी कोई मिथ है तो गाइस जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके अपना मिथ कमेंट कर दो। तो गाइस देखो यार, मैं यहाँ पर रोलर के ऊपर पहुंच गया हूँ, जल्दी से एक डायनासोर मंगा लेता हूँ। डायनासोर का चीट कोड मैं बता देता हूँ, 5050 डायनासोर का चीट कोड है। तो गाइस यार इस पे जल्दी से यहाँ पर आपको लिखना होगा RGS टूल में जाके रोल ऑन। तो गाइस यार मैं जल्दी से RGS टूल ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ रोल ऑन। तो गाइस रोल ऑन करने के बाद आपको करना है डायनासोर को और रोल को एक साथ ऑन करना है। तो गाइस देखो यार, मैंने यहाँ पर कर दिया है। लेकिन यार अरे भाई साहब, ये तो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन यार ये तो नीचे गिर गया। उस बंदे ने कहा था कि अपना जो बंदा है वहीं पर स्टेबल हो जाएगा, लेकिन गाइस ये बंदा तो अपना नीचे आ गया। तो गाइस ये मिथ बस्टेड है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। नेक्स्ट मिथ में एक भाई का कमेंट आया था कि 3-3 या 4-4 से जो हमारी स्कॉर्पियो आती है, अगर हम उसको RGB करते हैं तो वो RGB नहीं होती है, सिर्फ उसका बम्पर ही RGB होता है। तो गाइस देखो यार, मैंने यहाँ पर एक स्कॉर्पियो मंगा लिया, अब इसको RGB करते हैं। तो गाइस देखो यार, सच में इसका बम्पर ही जो RGB हुआ है। तो गाइस ये मिथ कंफर्म है। लेकिन हमारे पास एक और चीट कोड है दूसरी स्कॉर्पियो का, S11 का। तो गाइस उसको भी मंगा लेते हैं और देखते हैं वो RGB होती है कि नहीं। लेकिन इसमें एक फायदा है, हम इसमें दो कलर कर सकते हैं, एक RGB कलर कर सकते हैं और एक और कलर कर सकते हैं। तो गाइस देखो यार, मैंने यहाँ पर 4-4 से यहाँ पर स्कॉर्पियो दूसरी वाली मंगा ली है। तो गाइस इसको RGB करके देखते हैं। लेकिन यार इसको RGB करने पर तो इसका तो कुछ भी RGB नहीं हुआ है, ना बम्पर, ना आगे से पीछे तक ये कहीं तक भी RGB नहीं हुई है। तो गाइस यार ये मिथ कंफर्म है। वैसे उसने कहा था अगली वाली कार का जो बम्पर है वो RGB हो गया है, तो ये मिथ कंफर्म है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट मिथ कमेंट में आया था कि हम जो मेगा रैम चैलेंज पे हेलीकॉप्टर ऊपर नहीं जा पाता है, लेकिन अगर हम स्टिकी मैन बनने के बाद हेलीकॉप्टर को चलाते हैं तो हेलीकॉप्टर ऊपर चला जाता है। तो गाइस मैं आपको ट्राई करके दिखा देता हूं कि जो हम बिना स्टिकी मैन बने हेलीकॉप्टर को अगर मेगा रैम के ऊपर चलाते हैं तो वो नहीं चलता है। तो मैंने आपको ट्राई करके दिखा दिया है। अब जल्दी से बनते हैं स्टिकी मैन। स्टिकी मैन बनने के लिए हमको बहुत ही सारे स्टिकी मैन यहाँ पर डालने पड़ेंगे और फिर हमको करना पड़ेगा स्काई फॉल। तो गाइस देखो यहाँ पर मैंने बहुत ही सारे स्टिकी बम लगा दिए हैं। लेकिन अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपके पास भी कोई न्यू मिथ है तो गाइस जल्दी से जाकर कमेंट कर दो, मैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में उस मिथ को जरूर ट्राई करूंगा। तो गाइस स्टिकी बम मैंने यहाँ पर डाल दिए है। अब जल्दी से गाइस इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड मैं लगा देता हूँ। तो गाइस यार मैं सॉरी भूल गया था इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड, लेकिन बहुत देर में जाकर मेरे को याद आ गया इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड। तो गाइस यार इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड है 9129। तो मैंने इन्फिनिटी हेल्थ लगा दी है, अब जल्दी से स्काई फॉल कर देता हूँ। तो गाइस देखो यार, मैंने यहाँ पर स्काई फॉल कर दिया है। ओ गाइस अब बन जाऊंगा मैं जल्दी से जल्दी स्टिकी मैन बन गया। देखो यार अब जल्दी से हेलीकॉप्टर में बैठ के आपको दिखाता हूँ कि हेलीकॉप्टर मेगाराम चैलेंज से ऊपर उड़ता है कि नहीं। तो गाइस देखो यार पे वो आ गया ऑप्शन, भाई ऑप्शन आ गया। अब मेरे को लग रहा था ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन ऑप्शन आ गया। तो गाइस देखो यार, हेलीकॉप्टर मेगाराम चैलेंज से ऊपर उड़ रहा है यार। तो गाइस ये मिथ कन्फर्म है, लेकिन ये मिथ बहुत ही जबरदस्त है। तो गाइस आप भी अपने इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम में इसको जरूर ट्राई करना। और गाइस यार जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और गाइस कमेंट करना मत भूलना। अगर आपके पास भी कोई न्यू मिथ है जल्दी से जाकर कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम चलते हैं नेक्स्ट मिथ की ओर। नेक्स्ट मिथ में गया था गाइस, हमको फन ट्रैक पे जाना है और गाइस ड्रम के ऊपर हमको हॉर्स स्पॉन करना है और फिर देखो मैजिक। तो गाइस देखो यार, मैं फन ट्रैक पर आ गया हूं और यहां पर हॉर्स को इन्फोर्स करके देखना है। तो गाइस हॉर्स को स्पॉन करते हैं। हॉर्स का चीट कोड है 200। तो गाइस देखो यार, मैंने हॉर्स स्पॉन किया लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी मैजिक नहीं हुआ। तो गाइस एक बार और ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ मैजिक नहीं हुआ है। जो अपना हॉर्स है वो ड्रम के ऊपर सीधे से स्पॉन हो रहा है। तो गाइस मैंने थर्ड बार भी ट्राई किया, लेकिन अब मन नहीं कर रहा है ट्राई करने का। तो गाइस कोई बात नहीं, एक लास्ट बार और ट्राई कर लेते हैं। अगर अबकी बार भी कोई मैजिक नहीं हुआ तो गाइस जाने देंगे, तो ये मिथ फॉर्म बस्टेड हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने स्पॉन किया, अरे भाई साहब ये अपना हॉर्स कहाँ चला गया? वो भाई साहब ये मैजिक था, वो गाइस इतनी ऊपर हॉर्स चला गया। जैसे हमारी गाइस जो मॉन्स्टर थार या मॉन्स्टर फॉर्च्यूनर होती है, जो ट्रक होते हैं गाइस वो उछलते हैं, ऐसे ही उछल रहा है। तो गाइस ये मिथ कन्फर्म है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में। जल्दी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पर कमेंट